गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक देखा था वो था इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ तक क्लियर था सभी के? तो इसी टॉपिक में अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स में मैंने ये कहा था कि कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी में कोई भी नॉन सेल, खुद की बॉडी का नहीं, नॉन सेल यानी कि बाहर का सबस्ट्रेट अगर एंटर करता है तो उस होस्ट की बॉडी रिस्पॉन्स करती है, प्रतिक्रिया करती है उस पदार्थ के प्रति। अब उस होस्ट की बॉडी या तो उसको तुरंत नष्ट कर देगी या उसे उदासीन बना देगी। अगर वही सबस्ट्रेट या पदार्थ या सूक्ष्म जीव पुनः प्रवेश करता है बॉडी में तो मेमोरी रिस्पॉन्स, मेमोरी रिस्पॉन्स द्वारा उस बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पदार्थ है उसको पहचान कर मार दिया जाएगा तुरंत ही। तो ये था अपना इम्यून रिस्पॉन्स। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, ये तो अपने इम्यूनिटी किसे कहते हैं, कौन कौन सी मोस्ट रिएक्शंस होती है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, ये क्लियर है सबके। इससे आगे अपन बढ़ते हैं तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इतिहास में सबसे पहले अपन पढ़ते आ रहे हैं लुईस पाश्चर का नाम आता है। लुईस पाश्चर, पाश्चर भी बोलते हैं, पाश्चर भी बोलते हैं। लुईस पाश्चर ने सन 1856 में, कौन सन में, 1856 में रोगों के, रोग मींस रोग को क्या बोलेंगे अपन, डिजीज, डिजीज के बैक्टीरिया जिसे अपन बोलेंगे जीवाणु से उत्पन्न होने के लिए या उत्पन्न होने से एक डिजी, एक मत प्रस्तुत किया। इस मत का नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। क्या नाम था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ये इन्होंने मत दिया था और कहा था कि जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से ही डेवलप होती है या विकसित होती है। कौन सी ईयर में कहा था? सन 1856 में। सेकंड साइंटिस्ट की अपन बात करें हिस्ट्री में तो आपने नाम सुना होगा एडवर्ड जेनर का। एडवर्ड जेनर, इन्होंने सन 1796 में वैक्सीन, पहले जिक्र हुआ है अपना टीका जिसे बोलते हैं वैक्सीन, लगाने की टेक्निक की खोज की थी। किन्होंने? एडवर्ड जेनर ने। थर्ड नंबर पे अपन साइंटिस्ट की बात करते हैं एली मेसिनकॉफ। एली मेसिनकॉफ, इन्होंने फेगोसाइटिक थ्योरी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बक्षाणु नाशन मत, एली मेसिनकॉफ नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया के फेगोसाइटिक मेथड से नष्ट होना, अपनी बॉडी में ये प्रोसेस होती रहती है तो इन्होंने ये मत दिया था सबसे पहले फेगोसाइटोसिस या फेगोसाइटिक थ्योरी का। ठीक है, ऐसे ही एक साइंटिस्ट और थे पास्टर, इन्होंने रेबीज, नाम सुना है रेबीज का, रेबीज जो डिजीज है जो एक वायरस से होती है उसके लिए टीके की खोज की थी इन्होंने, पाश्चर ने। तो ये कुछ मोस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं लुईस पाश्चर का, एडवर्ड जेनर का, एली मेसिनकॉफ का, पाश्चर का।
जिन्होंने इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट काम किया है, और इन्हीं से कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपके इसी आरयू वाले एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले टीके की खोज की, किसने जर्म थ्योरी दी, किसने भक्षणु नाशन मत दिया। तो ये कुछ हिस्ट्री थी मोस्ट जो अपन ने देखी। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक ले रहे हैं इसी में, अपन ने अभी तक तो नॉर्मल जानकारी ली है, आगे अपन डीपली स्टडी करेंगे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिरोधकता। अच्छा, इम्यूनिटी कहेंगे किसे? पहले भी अपने डेफिनेशन बताई है, अब एक शॉर्ट डेफिनेशन और बता देता हूं मैं। कोई भी होस्ट है, होस्ट की बॉडी में किसी पैथोजन या माइक्रोब्स, जैसे सभी छोटे मोटे जीव है उनका कॉमन नेम अपन बोल देते हैं माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ किसी होस्ट की बॉडी में माइक्रोब्स के एंटर करने पर या उसके कोई मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट या जिसे बोलेंगे उपापचय पदार्थ के एंटर करने पर उस होस्ट की बॉडी प्रतिरोध करती है या अवरोध करती है, उसी क्षमता को अपन क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी है ये टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। अब कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? पहला है अपना अविशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसे अपन बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सेकेंड जो पार्ट है वो है विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसे अपन बोलेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यहां तक क्लियर है? वापस रिपीट कर रहा हूं, इम्यूनिटी मोस्टली टू टाइप की होती है, अविशिष्ट जिसे बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक, और दूसरी है विशिष्ट जिसे बोलेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्लियर है यहां तक? अब अपन डिटेल में बात करते हैं सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की। नॉन स्पेसिफिक, ध्यान से सुनना, इसे किसी होस्ट की या एनिमल की सामान्य प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है। ऐसी प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी किसी होस्ट की बॉडी में, किसी होस्ट की बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स या उसके उपापचयी पदार्थ मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट के बॉडी में एंटर करने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस टाइप की इम्यूनिटी होस्ट की बॉडी में कुछ अवरोधकों जिन्हें बोलेंगे बैरियर्स। अब मैंने पहले ही बता दिया है बैरियर्स क्या है अपने, जैसे मोस्टली स्किन है, ये बैरियर ही है, अवरोधक ही है। तो मैंने क्या कहा, इस टाइप की इम्यूनिटी होस्ट की बॉडी में विभिन्न प्रकार के अवरोधकों जिन्हें बोलते हैं बैरियर्स के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये अवरोधक उस बाहरी पदार्थ या माइक्रोब्स का प्रतिरोध करते हैं, उसे बाहर भगाने का या मारने का अवरोध करते हैं। ये जो अवरोधक है इन्हें भौतिक अवरोधक बोल सकते हैं अपन, भौतिक अवरोधक। फॉर एग्जाम्पल ले लिया अपन ने स्किन, जैसे ही मान लो किसी बैक्टीरिया ने या मच्छर ले लो अपने, मच्छर ने अपन को डंक मारा, तो जहां पे डंक मारता है मच्छर उस स्थान पे सूजन आ जाती है, खुजली चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है वो है नॉन स्पेसिफिक
इम्यूनिटी के, क्योंकि ये इम्यूनिटी कहती है कि कोई भी बाहर का सबस्ट्रेट है, माइक्रोब है, अगर वो बॉडी में एंटर करता है तो अपनी बॉडी में कुछ अवरोधक होते हैं, बैरियर्स होते हैं, जो इन बाहरी पदार्थों का अवरोध करते हैं, विरोध करते हैं बॉडी में एंटर करने पर, ठीक है। तो उस पार्ट पे क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी या उस होस्ट को बुखार हो जाएगा। तो ये थी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अच्छा, इसे नॉन स्पेसिफिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी प्रकार के माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों के लिए एक समान ही होती है, किसी के लिए स्पेशल नहीं होती, इसीलिए इसे अपन क्या कहेंगे, नॉन स्पेसिफिक। किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए समान है। क्लियर है ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी किसी होस्ट की बॉडी में, ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक इम्यूनिटी किसी होस्ट की बॉडी में अगर बाहर का कोई भी आउटर सबस्ट्रेट या माइक्रोब्स या पैथोजन एंटर करता है तो उस होस्ट की बॉडी प्रतिक्रिया स्वरूप इस टाइप की जो इम्यूनिटी है वो हाई लेवल के वर्टिब्रेट एनिमल्स में देखने को मिलती है, लो लेवल के नहीं, हाई लेवल के वर्टिब्रेट एनिमल्स में देखने को मिलती है। और इस टाइप की जो इम्यूनिटी है उसमें स्पेशल टाइप की सेल्स बनाई जाती है उस होस्ट की बॉडी के द्वारा। वो सेल्स कौन सी होगी, प्रतिरक्षियां, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, एंटीबॉडीज। क्लियर है, जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो होस्ट की बॉडी में किसी पैथोजन या माइक्रोब्स के एंटर करने के करने पर प्रतिक्रिया स्वरूप हाई लेवल के वर्टिब्रेट या कशेरुक प्राणियों में होती है। ये इम्यूनिटी स्पेशल टाइप की सेल्स द्वारा कंप्लीट की जाती है, उन सेल्स का नाम क्या है, एंटीबॉडीज। क्लियर है यहां तक। ये जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये भी टू टाइप की होती है। कितने टाइप की, टू टाइप की होती है। टू टाइप कौन कौन से हैं आगे अपन देखेंगे। सबसे पहला जो टाइप है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसमें पहला जो टाइप है वो है स्वभावजात प्रतिरक्षा, स्वभावजात प्रतिरक्षा, इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी। इसको समझ लेते हैं अपन सबसे पहले, फिर सेकेंड टाइप की बात करेंगे। जो स्वभावजात है इम्यूनिटी, इसी में इसकी डेफिनेशन अपन बना सकते हैं, स्वभावजात यानी पहले से ही अवेलेबल हो। इसे अपन जो स्वभावजात या इननेट जो इम्यूनिटी है यह होस्ट की प्राकृतिक इम्यूनिटी होती है या प्रकृति द्वारा प्रदान की भी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा होती है। ये जन्मजात ही होस्ट की बॉडी में अवेलेबल होती है, ठीक है। ये जो इम्यूनिटी है स्वभावजात इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी स्वभावजात जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी जन्म से ही कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी में अवेलेबल होगी। ये जाति विशिष्ट भी होती है, जाति विशिष्ट भी होती है, ये चीज आप अंडरलाइन कर लेना, ये स्पीसीज स्पेसिफिक या जाति विशिष्ट होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मान लेते हैं अपन कोई भी प्लांट जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो ह्यूमन में डिजीज पैदा नहीं करेगा, ऐसे ही कोई भी ह्यूमन का
कोई भी अगर ह्यूमन में डिजीज हो रही है किसी भी बैक्टीरिया वायरस के कारण, वो प्लांट्स के अंदर डिजीज या रोग पैदा नहीं करेगी। इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये जो इम्यूनिटी है वो जाति विशिष्ट या स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। इस टाइप की जो इम्यूनिटी है वो मोस्टली फेगोसाइटोसिस, अभी बताया ना एलिमेलिकोफ का फेगोसाइटोसिस जो मेथड है उसके द्वारा कंप्लीट की जाती है। अब जो मैमल्स है, मैमल्स के अंदर ये जो स्वभाव जात या इननेट जो इम्यूनिटी है ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस या स्टेप्स में अपन बोल सकते हैं या उनकी जो बॉडी पार्ट्स है उनके द्वारा कंप्लीट की जाती है। सबसे पहला जो बॉडी पार्ट है, जैसे मान लो कि अपन में बात चल रही थी स्किन की, स्किन जो है अच्छा स्वभाव जात है, जन्म सिद्ध उसको मिली है, जन्म से ही मिली है, अपन इसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्किन जो है, पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैमल्स में, स्किन जो है किसी भी बाहरी पदार्थ अगर एंटर कर रहा है होस्ट की बॉडी में, मान लो मेरा एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मेरी स्किन के थ्रू कोई भी बाहर का बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर रहा है तो सबसे पहले स्किन उसका अवरोध करेगी, उसको एंटर होने से रोकेगी। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो ले सकते हैं हम अपने स्टमक का, आमाशय का, स्टमक, अगर अपन ने खाना खाया, खाना तो खाते ही हैं अपन, अगर उस खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया या वायरस चिपक कर चला गया तो वो फूड अपने माउथ से होता हुआ अपने स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक का अपन को पता है कि इसका मीडियम एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, तो जैसे ही स्टमक में या आमाशय में फूड का डाइजेशन होगा तो अम्लीय माध्यम उसको दिया जाएगा, तो जो भी बैक्टीरिया या वायरस खाने के साथ अंदर गया है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये स्वभाव जात है, जन्म सिद्ध मिली है अपन को। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है बॉडी के अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स में अपन बात करें आईज की, अपनी आईज में जो टीयर्स आते हैं उनमें भी एक एंजाइम होता है, आपने नाम सुना होगा म्यूरामिडेज, अंडरलाइन कर लेना इसको, म्यूरामिडेज नामक एंजाइम अपने आईज में पाए जाने वाले टीयर्स में प्रेजेंट होता है। अगर बाय चांस अभी कोरोना काल चल रहा है, मान लो कि आईज के थ्रू कोई वायरस एंटर कर रहा है तो अपने टीयर्स में, आईज में पाए जाने वाले जो टीयर्स हैं उनमें ये म्यूरामिडेज नामक एंजाइम मिलेगा जो तुरंत ही उस वायरस या बैक्टीरिया को मार देगा। सबसे पहले स्किन, फिर स्टमक, अगर स्किन के थ्रू गया है तो स्किन उसका विरोध करेगी, अगर खाने के साथ गया है बैक्टीरिया या वायरस तो स्टमक उसको मार देगा, अगर आईज के थ्रू जा रहा है तो म्यूरामिडेज एंजाइम उसको मार देगा। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो फोर्थ नंबर पर अपन ले सकते हैं लार, जो स्लाइवा है अपनी उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने नाम सुना होगा कुछ सेल्स का जब आपने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ऐसे ही न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये ऐसी सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस की क्रिया में भाग लेती है। कौन कौन सी? मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अपने अंदर या ब्लड तक पहुंच गया है तो ये सेल्स एक्टिव होकर फेगोसाइटोसिस या भक्षणोनाशन क्रिया द्वारा उनको, उन बैक्टीरिया को मार देगी। नेक्स्ट अपन पॉइंट ले सकते हैं पूरक तंत्र,
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है एक पूरक तंत्र, इसमें मोस्टली प्रोटीन्स भाग लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लगभग 60 ग्राम प्रोटीन होते हैं जो इम्यूनिटी में भाग लेते हैं, तो ये पूरक तंत्र भी एक प्रोटीन्स का ही सिस्टम है जिसमें C1 से लेकर C9 तक या 11 तक कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस को मारने का काम करते हैं। तो अपन ने देखा कि स्वभाव जात या जो इननेट इम्यूनिटी है उसमें मैमल्स में कौन कौन सी प्रोसेस है जिनके थ्रू बॉडी के डिफरेंट टाइप के पार्ट्स द्वारा स्पेशल टाइप के एंजाइम्स या माध्यम प्रदान करके उन बैक्टीरिया या वायरस को मार दिया जाता है। ये तो अपनी बात हुई है अभी स्पेसिफिक इम्यूनिटी में स्वभाव जात प्रतिरक्षा की, फर्स्ट टाइप है। इसके सेकेंड टाइप की अपन बात करें तो उसे अपन बोलेंगे, ये तो स्वभाव जात है, दूसरा अपन बोलेंगे उपार्जित, उपार्जित या अनुकूलित। प्रतिरक्षा इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे अपन एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइम अपने देख लिया है स्वभाव जात, ध्यान रखना ये स्पीसीज स्पेसिफिक या जाति विशिष्ट होती है, ठीक है। सेकंड जो इसका टाइप है वो है उपार्जित या अनुकूलित प्रतिरक्षा, जिसे अपन बोलेंगे एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब देखना उपार्जित यानी कि अर्जित की हुई, कमाई हुई, इसे ध्यान से समझना, उपार्जित की हुई या अर्जित की हुई ऐसी इम्यूनिटी, ध्यान से सुनना, ऐसी इम्यूनिटी जो किसी होस्ट या एनिमल द्वारा अपनी लाइफ टाइम या अपने जीवन काल के दौरान अर्जित की जाती है, उपार्जित या अनुकूलित प्रतिरक्षा कहलाती है। जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी है, जैसे अपन जन्म लेते हैं अपन को स्वभाव जात इम्यूनिटी भी मिलती है, लेकिन जैसे ही अपन बड़े होते जाते हैं तो बहुत सी डिजीज अपन को इन्फेक्शन करती है, तो उसके साथ साथ ही अपन अपनी बॉडी सीखती जाती है, लर्न करती है, सीखती है कि कौन सी डिजीज आएगी तो किस टाइप की सेल बनानी है, एंटीबॉडी बनानी है, तो उसे अपन बोलेंगे उपार्जित या अनुकूलित प्रतिरक्षा। ये जो उपार्जित या अनुकूलित प्रतिरक्षा है ये किसी भी माइक्रोब्स या उसके उपापची पदार्थ के पूर्व अनुभव के आधार पर डेवलप होती है। जैसे मान लो कि मेरी बॉडी में कोरोना वायरस ने अटैक किया, ठीक है, लेकिन सेकेंड टाइम फिर से अगर अटैक करता है तो मेरी बॉडी पहचान लेगी उसे कि इस वायरस ने तो पहले ही अटैक किया है, तो इस वायरस को मारने के लिए मेरे को किस टाइप की एंटीबॉडीज या सेल्स बनानी है। तो ये तो थी डेफिनेशन इसकी। अब ये जो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी है ये भी टू टाइप की होती है। फर्स्ट जो टाइप है वो है एक्टिव, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी, हिंदी में बोलेंगे सक्रिय, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ध्यान से सुनना इसको, एक्टिव ऐसी इम्यूनिटी या ऐसी एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी जो किसी माइक्रोब्स के बॉडी में एंटर करने पर एंटीजेनिक उद्दीपन, ध्यान से सुनना, एंटीजेनिक उद्दीपन, यहां पे नाम आया है एंटीजेनिक यानी कि प्रतिजन, हिंदी में बोलेंगे अपन इसको प्रतिजन, प्रतिजन या एंटीजन कोई भी बाहर का सूक्ष्म जीव, रोगकारी जीव, पैथोजन कुछ भी हो सकता है, उसको डायरेक्टली अपन नाम दे दिया है एंटीजन। तो मैंने क्या कहा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगर होस्ट की बॉडी में बाहर से कोई भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है तो माइक्रोब्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, एंटीजन बोल रहा हूँ। तो एंटीजेनिक उद्दीपन के फलस्वरूप
कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रकृति प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है, वो स्पेशल सेल्स कहलाएगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, इन एंटीबॉडी सेल्स को हिंदी में अपन बोल सकते हैं प्रतिरक्षी, प्रतिरोधकता युक्त कोशिकाएं। एंटीबॉडीज को क्या बोल सकते हैं अपन? प्रतिरक्षी, प्रतिरोधकता युक्त कोशिकाएं। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर होस्ट की बॉडी में अगर कोई भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव एंटर कर रहा है तो एंटीजेनिक उद्दीपन के फल स्वरूप या प्रतिक्रिया के फल स्वरूप, जैसे ही इसका एंटीजन का उद्दीपन मिलेगा कि मैं आ गया हूं बॉडी में, तो बॉडी कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स बनाएगी जिन्हें अपन कहेंगे एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी प्रतिरोधकता युक्त कोशिकाएं। या अपन ऑल ओवर बोल सकते हैं कि जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये एंटीबॉडी डिपेंडेड इम्यूनिटी है, यानी कि एंटीबॉडीज नामक सेल से ही होती है। एक जो इसकी सबसे मेन चीज है या पॉइंट है वो आपको बता रहा हूं मैं, ये जो इम्यूनिटी है एक्टिव एक्वायर्ड, इसको एक्टिव होने में काफी टाइम लगता है। काफी टाइम कैसे लगेगा? जैसे किसी बैक्टीरिया ने पहले अटैक किया है, उसके बाद अगर फिर से अटैक कर रहा है तो बॉडी लॉन्ग टाइम की अवधि के दौरान स्पेशल टाइप की सेल्स बनाएगी जिन्हें एंटीबॉडी सेल्स कहेंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि इस टाइप की इम्यूनिटी को एक्टिव होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम तक सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है। अब जो मेन बात मैं बता रहा था वो ये है कि इस टाइप की जो सेल्स बनी है, एंटीबॉडी जो बनी है, ये मदर से चाइल्ड में, मदर से चाइल्ड में प्लेसेंटा के माध्यम से, इसे बोलते हैं अपन अपरा, प्लेसेंटा। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें एंटीबॉडीज स्पेशल टाइप की सेल्स बनी है, जो एंटीबॉडी सेल्स है वो मदर से प्लेसेंटा के माध्यम से चाइल्ड की बॉडी के अंदर एंटर करती है, या तो प्लेसेंटा के माध्यम से एंटर करेगी या फिर मिल्क के माध्यम से एंटर करेगी। उस टाइम उस मिल्क को कहेंगे कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कौन सी जो इम्यूनिटी है या जो एंटीबॉडी है वो कैसे बच्चे में ट्रांसफर होती है, एक्टिव वाली होती है या सेकेंड टाइप पैसिव वाली होती है। तो अपन को पता है कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसमें जो एंटीबॉडीज बनती है वो ही मदर द्वारा प्लेसेंटा के माध्यम से चाइल्ड में ट्रांसफर होती है। तो ये क्लियर है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है पैसिव, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब था सक्रिय, इसका मतलब है अक्रिय, यानी ये तो सक्रिय अपनी बॉडी में बनी है पहले से। पैसिव मींस अक्रिय। कई बार देखा होगा किसी को कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, तो उसको वैक्सीन के या टीके लगाए जाते हैं 11 के लगभग, 12 के लगभग, समझ में आया एग्जाम्पल। तो जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये रेडीमेड बनी बनाई अवस्था में बाहर से होस्ट की बॉडी में इंजेक्शन द्वारा ट्रांसफर की जाती है, समझ में आया। ये रेडीमेड अवस्था में बाहर मिलेगी अपन को वैक्सीन के रूप में, कौन सी? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये इस टाइप की जो इम्यूनिटी है या रोधक क्षमता है ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होती है और ये तुरंत ही एक्टिव हो जाती है, यानी कि इसमें सुषुप्त काल नहीं होता। पहले वाली जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी इसको एक्टिव होने के लिए बहुत सारा टाइम लग रहा था, कुछ दिन या महीने लग रहे थे, लेकिन जो ये जो सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये तुरंत ही एक्टिव हो जाती है, लेकिन
बहुत कम टाइम के लिए होती है। मैंने इसके लिए कहा था एक्टिव एक्वायर्ड के लिए कि ये लॉन्ग टाइम तक क्रियाशील रहती है, लेकिन ये जो सेकंड वाली है ये बहुत ही कम टाइम के लिए ही क्रियाशील रहती है। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में या अक्रिय उपार्जित रोधक क्षमता में कि जब कोई डॉग या बंदर काट लेता है तो बाहर से रेडीमेड अवस्था में वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं, वो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही एग्जांपल है। यहां तक क्लियर है? तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी में दो टाइप थे इसके, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। जो नॉन स्पेसिफिक है इम्यूनिटी, उसके भी दो टाइप थे, एक तो स्वभावजात और एक उपार्जित। जो उपार्जित सेकेंड टाइप है उसके भी टू टाइप थे, एक्टिव और पैसिव। तो ये अपनी थी इम्यूनिटी और उसके टाइप्स। इसमें आप ध्यान रखना ये पैसिव वाला, एक्टिव वाला, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। तो आज आप अपना इम्यूनिटी का टॉपिक है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि ये जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षी तंत्र है, इसका उद्भव कैसे होता, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।